हेलो दोस्तों, मैं सनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो एक लड़की आपसे ऐसे फ्लर्ट करने लगे तो वो आप में इंटरेस्टेड है। तो आज की वीडियो से टॉपिक पे दोस्तों देखो, लड़का और लड़की के फ्लर्ट करने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि लड़के जो फ्लर्ट करते हैं तो मोस्टली लड़के फ्लर्ट करने के बाद में अपने मन की यानी कि अंदर तक की बड़ात लड़की को बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं, क्यों? कहीं ना कहीं लड़की ये सोच के भी रखती है कि सामने वाला पर्सन या ये लड़का सामने जिसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है कि वो उसके कैरेक्टर का बलात्कार ना करे, इसलिए वो बहुत सीधे तरीके से फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं। फ्लर्ट करती कैसे हैं, कौन से तरीके अपनाती हैं, उसे के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो का अंत तक देखो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरी सबसे पहला तरीका है टीज करना, यानी कि लड़की को छेड़ना। कई बार ऐसा होता है ना कि लड़की आपके साथ बैठी है, उसकी और आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, लेकिन फिलहाल उसने आपको प्रपोज नहीं किया है, ठीक है। अगर वो आप में इंटरेस्टेड है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको छेड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। आपको टीज करेगी आपकी किसी बात को लेकर, आपको इस तरीके से वो मोमेंट क्रिएट करेंगे जिससे आप शाय हो, आप थोड़ा सा शाय फील करो, इस तरीके की वो काम करेगी। अगर लड़की ऐसा कर रही है तो आप पता कर सकते हो कि ये उसके फ्लर्ट करने का एक तरीका है, क्योंकि लड़कियां सीधे तरीके से कोई भी काम नहीं करती, उनको घुमा फिरा के करना होता है ताकि कोई इंसान उन पर ब्लेम ना कर सके, आप उन पर ये ना बोल सके कि तो फ्लर्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो टीज करने के बहाने आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो है अपना चंचल और चटपटा स्वभाव आपको दिखाएगी। अगर लड़की आपसे बात करते टाइम थोड़ा सा क्यूटनेस दिखाने की कोशिश करेगा, थोड़ी चंचल बनने की कोशिश करेगी। कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बाय नेचर ऐसी होती हैं, चंचल स्वभाव की होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अपने पार्टनर या अपने क्रश के सामने ऐसा बनने की कोशिश करती हैं ताकि उनको ऐसा फील होता है कि सामने वाला पर्सन उनको ज़्यादा अटेंशन देगा। तो अगर लड़की आपके सामने कुछ ज़्यादा ही चंचल स्वभाव की बनने की कोशिश कर रही है, आपके सामने क्यूट दिखने की कोशिश कर रही है, क्यूट हरकतें कर रही है, ठीक है, तो भी आप पता कर सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा तीसरी बात जो आपको उसमें देखनी है कि जो लड़की आपके तारीफ करने लगे। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ जो तारीफ करती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर लड़की आपकी तारीफ कर रही है, ठीक है, किसी न किसी बात को लेकर आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही है, तो भी कहीं ना कहीं ये उनके फ्लर्ट करने का एक तरीका है। क्योंकि फ्लर्ट करना भी कहीं ना कहीं एक तरह से तारीफ करना ही होता है, बट क्या है, फ्लर्ट जो होता है थोड़ा सा डबल मीनिंग के टाइप में होता है, ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। इसके अलावा अगला तरीका है आपसे नजरें चुराना। अगर एक लड़की आप पे इंटरेस्टेड है और वो आपसे बात नहीं कर रही है, तो वो आपको देखते टाइम जो है ना आपसे नज़रें चुराने की कोशिश करेगी, और जैसे ही आंखें चार होगी ना, तो अपनी नज़रें फेर लेगी, इधर उधर देखने लगेगी, या फिर आपके सामने ऐसा दिखाएगी कि वो आपको आंख मारेगी। आंख मारने के जैसे मतलब कि किसी और को या तीसरे पर्सन को ये समझ ना आए कि लड़की आंख मारती है, वरना उसके कैरेक्टर को सब जज करेंगे, ठीक है। तो वो ऐसा दिखाएगी कि उसकी आंख में कुछ गिर गया है, लेकिन टारगेट आप ही हो, आपको देखते हुए ये सारे काम करेगी। तो इस बात से भी आप पता कर सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो सीधे तरीके से फ्लर्ट करती हैं, उनको ये चीज़ नहीं पड़ी रहती है कि लड़का क्या सोचेगा या सामने वाला पर्सन या देखने वाला पर्सन क्या सोचेगा, तो वो खुलकर भी फ्लर्ट कर लेती हैं। अगर एक लड़की ऐसा कर रही है, इस तरीके से आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो मे बी वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।